एक जैसे कह रहे हो ना, भगवान जी एक सीधा साधा भोला इंसान था, उसको सब जने मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे हैं? तो पत्थर खाता जा रहा, कह रहा भगवान जी मुझे बचाओ, भगवान जी मुझे बचाओ, ये सब पत्थर मार रहे हैं। ठीक है, चलता गया वो पत्थर, खाता गया खाता गया। भगवान जी ने कहा, देर खाना खा रहे थे तो जैसे उठे तो उसने जब बहुत देर लग गई पत्थर मारते मारते, खाता गया बेचारा परेशान हो गया। फिर ना उसने उठाया पत्थर, उधर भगवान जी उठे खाना खा के कि मैं बचा के आ रहा हूँ उसको जाके। वो गया जैसे उठे तो उसने पत्थर मार दिया, कह रहा अब तू अपना काम अपने आप कर रहा है तो मेरा मेरी क्या जरूरत है, मैं बैठ रहा हूँ। फिर खाना खाने लग गया अपने आप। लक्ष्मी माता कह रही क्या हुआ भगवान जी, आप तो जा रहे थे, कह रहे भगत बुला रहा था मेरे को, अब अपना काम अपने आप कर रहा है तो मेरी क्या जरूरत है, इसलिए भगवान जी बैठ गए। कह रहे पुकारो तो दिल से सच्चे से पुकारो तो भगवान हमारी हेल्प करेंगे। बहुत बढ़िया नानी। नानी आप इतनी बढ़िया बढ़िया कथा कहाँ से लाती है? बोलती हो मुझे कुछ बोलना नहीं आता, इतनी बढ़िया बढ़िया कथा बताती पता है। नहीं कहाँ की सालों की निकल रही, याद आ रही है। सही है, देखो जब हमको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है ना जहाँ पे बोलने का मौका मिलता है, गाने का मौका मिलता है, हाँ तो वहां पर हम भजन भी गाते हैं। नानी ने सारी डायरिया दे दी थी सबको भजनों की, फिर अभी वापस लेके आ रही है सबसे। वापिस दो भाई अब मुझे गाने हैं। वापिस नहीं ले रही, लिख रही हूँ फिर मेहनत करके। फिर मेहनत कर रही हैं। तो ये क्या होता है, हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो बहुत सारे बहुत जगह पे होते हैं सत्संग।